फरमाया कि जिसने हालत ईमान में मुझे देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग हराम करा दी है, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये मुआविया तुझे रब दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता करेगा। और इसका पस मंजर बड़ा अजीब, इमामुल अंबिया के पास गस्सान का शहजादा आता है मुलाकात के लिए, इस्लाम कबूल नहीं करता, खैर सिगानी के जज्बात लेकर। तो जब जाने लगता है तो कहता है अल्लाह के महबूब मैंने आपके लिए कुछ हदिया लाया था, अगर आप कबूल फरमा दें। तो अल्लाह के महबूब ने उसका दिल रखते हुए हदिया कबूल फरमाया। कहने लगा शहर से बाहर है कोई 5-6 मील के फासले पे मेरा काफला रुका हुआ है, वहां पे है तो किसी खादिम को भेजें। तो वो ले आए तो आपके करीब हजरते मुआविया बैठे हैं। कहा मुआविया जाओ इसके साथ। तो हजरत मुआविया फरमाते हैं कि मेरे जूते मस्जिद के दूसरी तरफ थे, मुस्तफा का हुक्म आ गया जाओ इसके साथ, तो मैंने इतनी देर पसंद ना की कि जूता लेने में शायद देर हो जाए मुस्तफा का हुक्म कबूल करने में। मैं दौड़ के पहुंचा, उसके साथ चल पड़ा, मस्जिद से बाहर निकले। अरब की तपती हुई जमीन है, पांव जलने लगे। तो मैंने उसे कहा या तो अपने जूते मुझे दे दो, मैं पैदल चल रहा हूं तो सवारी पे है, या अपनी सवारी पे मुझे साथ बैठा दो। उसने कहा कि गुलाम को मैं अपना जूता दूं? बादशाह का जूता गुलाम पहने, ये नहीं हो सकता। फिर कहा कि अपने साथ एक कमी और एक गुलाम को अपने साथ बैठाऊं, ये भी नहीं हो सकता। खामोशी से सफर किया, पांव पे आपले पड़ गए, लेकिन मुस्तफा के हुक्म में एक सेकंड ताखीर बर्दाश्त नहीं। वापस आए, अल्लाह के महबूब तक चीज पहुंचाई, साथ वाकया बयान किया। तो महबूब दो आलम ने फरमाया तुझे अल्लाह इस बर्दाश्त और इस सबर पे अल्लाह तुझे दुनिया में भी सिले अता करेंगे, आखिरत में भी अता करेंगे। फिर कुदरत का निजाम है, हजरत मुआविया गवर्नर बने, फिर अमीरुल मोमिनीन बन गए, और वो गस्सान का शहजादा बादशाह बनकर गिरफ्तार होकर मुआविया के पास आ गया। गिरफ्तार होकर आ गया तो गिरफ्तारों में जब देखा पहचान लिया, कहा कि इसे मेहमान खाने में रखो, इसको बादशाहों जैसा प्रोटोकॉल दो, इसे इज्जत दो, इसे एहतराम दो। और जब कई दिन गुजर गए तो उससे मुलाकात की, कहा क्या तुझे याद है कि तेरी मेरी कहीं मुलाकात हुई है? गौर से देखने लगा, कहना लगता है कहीं हुई तो है, कहीं हुई तो है। कहा याद कर वो सफर जब तू मुस्तफा की बारगाह में आया था तो तेरे साथ एक नौजवान दौड़ता हुआ जा रहा था, तुझसे कह रहा था जूते दे दे, गर्मी बहुत है, पांव जल रहे हैं, मैं वही मुआविया इब्न सुफियान हूं, आज मेरे रब ने मुझे इख्तदार अता किया। तुझे इख्तदार नहीं था, छोटी सी सवारी थी, जूता था, वो नहीं दिया। आज अल्लाह ने जब मुझे इख्तदार दिया है ना, तो इसके बदले में मैं तुझे आजाद भी करता हूं, और तेरे एजाज में जितने तेरे साथी गिरफ्तार हुए सबको आजाद करता हूं। और जब मुस्तफा के गुलाम की ये शान देखी तो कहा अब आजाद होके क्या कहां जाएंगे, अपने नबी का गुलाम पहले बना दो, सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे।